पुतिन का वैश्विक मिशन वॉर जोन में डॉग बम। जी हां, पुतिन अब वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की होगी। युद्ध में डॉग सुसाइड बॉम्बर की फौज भेजने वाले हैं। रूस के यही आत्मघाती डॉग यूक्रेन में हैवानियत की नई पटकथा लिखने वाले हैं। पुतिन इस बाबत हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। तबाही का सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन ये पहले ही लीक हो गया है। ये रूस और यूक्रेन का युद्ध है। इस जंग में आपने मिसाइल की तबाही देखी, आसमान से बारूदी बारिश देखी, ड्रोन से वार और एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार देखा। दुनिया ने यहां शहरों को शमशान बनते देखा, लेकिन अब युद्ध के मैदान में जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावना है। पुतिन वो डेंजरस कदम उठाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। युद्ध के मैदान में पिछड़ रहे पुतिन अब डॉग सुसाइड बॉम्बर भेजने वाले हैं। बम और बारूद से लैस रूस के डॉग जाएंगे, धमाका करेंगे, खुद के साथ यूक्रेनी पोजीशन को भी उड़ा देंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। रूसी सेना कुत्तों को आत्मघाती बनाने पर विचार कर रही है। रूस के ओरियाल में हाल ही में असेंबली की बैठक हुई। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी विक्टर मकारोव ने रूसी सेना को सलाह दी कि वो आवारा कुत्तों को सुसाइड बॉम्बर बनाए, ताकि इनके जरिए युद्ध के मैदान में यूक्रेन के ठिकाने और टैंक्स को तबाह किया जा सके। रूस के नेता ने कहा है कि डॉग्स को चीन भेजकर फिदायन बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, इसके बाद उन्हें वॉर ग्राउंड पर भेज दिया जाए। रूसी सेना को ये सलाह तब मिली है जब युद्ध के मैदान में यूक्रेन उसके 1500 से ज्यादा टैंक नेस्तनाबूद कर चुका है। सवाल यही है कि क्या रूसी सेना ऐसा करने वाली है? क्या वो कुत्तों को सुसाइड बॉम्बर बनाकर युद्ध में उतारने वाली है? क्या पुतिन के पलटन सीक्रेट तौर पर डॉग सुसाइड बॉम्बर का ब्रिगेड तैयार कर रही है? क्या इनका इस्तेमाल यूक्रेन में दहशत के हथियार के तौर पर करने की तैयारी है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन पुतिन अगर ऐसा करते हैं तो ये वही युद्ध नीति होगी जिसे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने अपनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर युद्ध में डॉग का इस्तेमाल किया, ट्रेनिंग देकर इन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाया। ये फिदाइन डॉग दुश्मन की पोजीशन के पास जाकर फट जाते थे। उस वक्त डॉग्स ने ऐसी तबाही मचाई थी कि दूसरी देशों की सेनाएं कुत्तों को देखते ही गोली मार देती थी। यहाँ तक कि आत्मघाती कुत्तों से बचने के लिए सेनाएं चारों तरफ अभेद्य घेराबंदी करती थी। संभव है कि पुतिन भी यूक्रेन वॉर में दूसरे विश्व युद्ध की तरह कुत्तों को हथियार बनाए। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में हैवानियत का नया चैप्टर जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।